कचरा फेंकने वालों को मजा चखाएंगे। नोबिता, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो फिर से देर हो जाएगी। अरे ये तो पीते जाओ नोबिता। नहीं चाहिए। अरे नोबिता, अपना बैग तो लेते जाओ। हाँ शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ। खाली कैन ये यहाँ पर कैसे आया? हाँ, मैं लेट हो रहा हूँ। पूरा भीग गया मैं तो। नोबिता। जी सर। आज फिर से लेट हो गए तुम। वो क्योंकि मैं खाली कैन से टकरा कर गिर गया और गीला हो गया। मुझे कोई बहाने नहीं सुनना, जाओ जाकर बाहर खड़े हो जाओ। जी। जरा नोबिता को तो देखो जी, ये कभी नहीं बदलेगा। हंसना बंद करो। क्या करूं? बहुत बुरा लग रहा है। लोग ऐसे रास्ते में कचरा कैसे फेंक सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। हाँ, हमारे घर के सामने भी लोग खाली कैन फेंक देते हैं, जिसकी वजह से घर के सामने कचरा हो जाता है। अच्छा तो ये बात है, अगर मुझे ऐसे लोग मिलेंगे तो मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगा। मेरे होते हुए शहर में कोई कचरा नहीं फैला सकता। क्या सच? पर वो भला कैसे? वो मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ यही सही रहेगा। गार्बेज कैंडी। पर ये है क्या? अगर कोई रास्ते में कचरा फेंकता है और ये कैंडी किसी तरह उस इंसान को खिला दी जाए, तो वो कचरा उस इंसान के पीछे पड़ जाएगा और उसे वो कचरा डस्टबिन में फेंकना होगा। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे गैजेट से तो कुछ भी हो सकता है। क्या कोई यहाँ आसपास कचरा फेंक रहा है? हाँ देखो, उसने कचरा फेंका। हाँ यही सही समय है गार्बेज कैंडी इस्तेमाल करने का। नोबिता, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे जियान अपना मुंह खोले? ये तो आसान है। चलो, अब मेरा पेट भी भर गया। अब तो मैं अपने नए गाने की प्रैक्टिस करूँगा, जिसका नाम होगा लेटेस्ट जियान। अरे जियान, मैं यहाँ हूँ ऊपर। हाँ, नोबिता और डोरेमोन। जियान बंदर की तरह दिखता है। क्या कहा तुमने? आजा 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 आजा। लगता है तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो। नीचे आओ नोबिता। तुम्हारे लिए कैंडी। ये क्या था? मुझे फेंको। अरे केले का छिलका चल कैसे रहा है? मुझे फेंको, मुझे फेंको, मुझे फेंको, मुझे फेंको, मुझे फेंको। अरे ये क्या है? ये मेरा पैर पर क्या चिपक गया? अरे ये तो एक केले का छिलका है, इसे मुझसे क्या चाहिए? अब आएगा असली मजा। शुक्र है। मुझे फेंको, मुझे फेंको, मुझे फेंको। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे फेंको, 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 मुझे फेंको। जब तक जियान इसे डस्टबिन में नहीं फेंक देता, ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत थक गया। आज के बाद कभी भी रास्ते में कचरा नहीं फेंकूंगा। ये तो कमाल की चीज है। मैंने कहा था ना, चलो हम इसकी मदद से शहर के बाकी लोगों को भी मजा चखाते हैं। हाँ, और कौन रास्ते में कचरा फेंक रहा है? मुझे फेंको। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे कूड़ेदान में डालो, 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 कूड़ेदान में डालो। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे जाने दो। अच्छा हुआ इसके साथ। ये गैजेट सच में कमाल का है ना? हाँ, अब हमारा शहर साफ दिखेगा। ये देखिए, माउंटेन के टॉप पर भी टूरिस्ट लोगों ने
किस तरह कचरा फेंका हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर दिन ब दिन गंदगी बढ़ती जा रही है। पता नहीं लोग इतनी खूबसूरत जगह पर कचरा कैसे फेंक सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझदार होकर भी ना समझ हैं। ये रूल सब जानते हैं कि जब भी किसी माउंटेन या सी पर जाएं तो वहाँ जाकर कचरा बिल्कुल ना फैलाएं। अब आपको साउथ पोल की एक फिल्म दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह हजारों प्लास्टिक बॉटल्स साउथ पोल पहुँच चुकी है। हाँ, मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। बहुत बुरी बात है। इस तरह हमारी धरती पर हर जगह कचरा फैला पड़ा है। प्यारे दर्शकों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी धरती को एक गार्बेज प्लैनेट मत बनने दीजिए। इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। नोबिता, डोरेमोन, कुछ सीखा तुमने? कचरा हमेशा सही जगह फेंकना चाहिए। ये बात समझ गए ना तुम दोनों? ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, है ना डोरेमोन? हाँ हाँ। मम्मा, भूख लगी है। अभी कुछ खाने को देती हूँ। बोलो, वो दरअसल। अरे ये क्या है? कितना बड़ा गड्ढा हो गया ना ये। क्या हुआ है? अरे ये क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आसमान से आया है। आसमान से? क्या हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन पता लगाना होगा। स्पेस का कचरा हमारी धरती पर? मैंने ये बात पता लगाई है। जरा इस बारे में सोचो दोस्तों। हाँ? अगर स्पेस से कचरा गिर रहा है तो धरती पर कितना कचरा हो जाएगा, है ना? अच्छा, स्पेस का कचरा। अरे ये क्या हो सकता है? हाँ? अरे नोबिता, जरा इसे ध्यान से देखो, इस पर कुछ लिखा हुआ है। अरे हाँ, सच में। इसको तो बस डोरेमोन ही पढ़ सकता है, वो भी अपनी गैजेट की मदद से। ही डोरेमोन, अपना गैजेट इस्तेमाल करके देखो ना। हाँ ठीक है, करता हूँ। ट्रांसलेशन टूल। अब जरा दिखाओ, मेड इन गार्बेज स्टार। लगता है इसे गार्बेज स्टार में बनाया गया है दोस्तों। तो इसका मतलब उन्होंने इसे यहाँ फेंका है ना? हाँ। अगर स्पेस से ऐसे ही कचरा फेंका जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुनो, क्यों ना हम उनके पास जाएं और उनको कचरा फेंकने से मना करें दोस्तों। बोलो, अच्छा आइडिया है ना? इसमें तो बहुत मजा आएगा, क्यों, है ना? सुनियो, पर हम वहाँ जाएंगे कैसे जियान, ये तो बताओ मुझे। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। अरे नहीं डोरेमोन, क्या कर रहे हो? अगर इस कचरे को डिटेक्टिव यूनिट में डालकर सेट कर दिया जाए तो कंप्यूटर अपने आप हमें गार्बेज स्टार तक ले जाएगा, है ना? आसान तरीका गार्बेज स्टार तक पहुँचने का। अरे वाह डोरेमोन, तुम तो कमाल हो सच में। और अब मुझे सिर्फ इस स्विच को दबाना होगा, है ना? अरे नहीं जियान, उसे मत दबाना। ये तो सच में चल पड़ा। कोई हमें बचाओ, मम्मा। जियान, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मुझे धक्का दिया, सारी गलती तुम्हारी है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अरे नहीं, आप सभी यात्री गार्बेज स्टार पहुंचने वाले हैं। पता नहीं ये गार्बेज स्टार आखिर कैसा होगा। तुम रोना बंद क्यों नहीं करते हो? हम लोग एक एडवेंचर पर जा रहे हैं, समझे? पर मुझे इस एडवेंचर पर नहीं जाना था। अरे ये क्या कर रहे हो? वो मेरे पास आखिरी बचा है। तुम्हारी चीज मेरी है, समझे? और मेरी चीज तो मेरी है ही। हमेशा तुम मेरी चीजें छीन कर खा जाते हो और खुद कुछ नहीं खिलाते। जानता हूँ, सुनियो। बस पहुँचने के लिए 2 ही मिनट का समय बचा है, मतलब हम बस पहुँचने वाले हैं। ये तो बिल्कुल धरती जैसा दिखता है। मुझे एक बात बताओ डोरेमोन, अगर कोई मॉन्स्टर जैसी चीज आएगी तो हमारा क्या होगा? और अगर वहाँ पर ऑक्सीजन ना हुई तो हम सांस कैसे लेंगे? ज्यादा ही परेशान है। फिक्र मत करो सुनियो, मेरे होते हुए तुम्हें वहाँ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक मिनट, तुम सब लोग भी ये ट्रांसलेशन टूल थोड़ा थोड़ा खा लो।
ज्यादा मत बोलो। ठीक है। पहुँच गए। अब जल्दी चलो नोबिता। सुनियो चलो जल्दी चले। तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो डोरेमोन। सर की देखकर तो ऐसा लगता है यहाँ कोई कचरा नहीं फेंकता। सभी लोग सुने, कचरे को सही जगह पर फेंको। अरे ये कौन है? अगर किसी ने भी कचरा यहाँ वहाँ फेंका तो उसे सजा मिलेगी। कितनी अजीब बात है, यहाँ पर कचरे को लेकर कितने रूल्स बनाए गए हैं। रकून, अब ये किसने कहा? मैं कोई रकून नहीं हूँ, मैं कैट रोबोट हूँ। अरे ये कौन है? रकून। मुझे चोट लग गई। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं चोट तो नहीं आई, पर आप लोग कौन हैं बताइए? हाँ हम लोग यहाँ बहुत दूर से आए हैं। वैसे मेरा नाम माई है, मिलकर खुशी हुई। चलो हम लोग उधर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। क्या गार्बेज कंपनी? हाँ, यहाँ के कचरे की सफाई गार्बेज कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से करती है। यही वजह है कि यहाँ पर कोई कचरा नहीं है, है ना? अगर कोई कचरा रास्ते में फेंक दे तो पुलिस उसे पकड़कर अरेस्ट कर लेती है। क्या कहा तुमने? ये अच्छी बात है कि स्टार पर कचरे को लेकर काफी रूल्स बनाए गए हैं। ये लो तुम्हारे लिए। ये बहुत सुंदर है दीदी, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर ये अपने ग्रह का इतना ख्याल रखते हैं तो हमारी धरती पर कचरा क्यों फेंकते हैं? ये गलत बात है ना? मैं भी यही सोच रहा था। कब से तुम अकेले ही खाए जा रहे हो, तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं दिया है। जानता हूँ जानता हूँ। अरे ये तो खत्म भी हो गया। क्या? लेकिन वो मेरा था जियान। चुप हो जाओ, मैंने कहा था ना जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो अब क्यों रो रहे हो? ये क्या बज रहा है? मुझे भी नहीं पता जियान। जिस किसी ने यहाँ कचरा फेंका है उसे जल्दी से अरेस्ट किया जाए, जल्दी, कहीं ये लोग भाग ना जाए। शायद किसी ने सड़क पर कचरा फेंका। ऐसे सुनियो, और जियान हमारे साथ यहाँ पर नहीं है डोरेमोन। कहीं उन दोनों ने ही तो सड़क पर कचरा नहीं फेंका। ये तो ठीक नहीं है, चलो चलकर देखते हैं। अरे ये क्या है? अरे हमने कुछ नहीं किया। तुमने यहाँ सड़क पर कचरा फेंका है, इसीलिए हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, समझे? इतनी सी बात के लिए अरेस्ट? यहाँ रास्ते में कचरा फेंकना बहुत बड़ा जुर्म है, जाओ इसे वहीं पर ले जाओ। ठीक है, प्लीज रुक जाइए, हमें माफ कर दीजिए। छोड़ो मुझे, हमें माफ कर दीजिए। अब हम क्या करें डोरेमोन? पता नहीं वो उन्हें कहाँ लेकर गए होंगे। मुझे पता है। अरे तुम कहाँ पर? गार्बेज कंपनी में। आ मेरे साथ। वहाँ पर नो पिता, जल्दी करो। चमकते हैं, ये बहुत ही खास फूल है। ये तो बहुत सुंदर है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और डर भी नहीं लगेगा। नोबिता भैया, आप डरपोक हो ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से। क्या तुम हमेशा इस जगह पर आती रहती हो? पर मम्मी को इस बारे में नहीं पता, वो मुझ पर गुस्सा करती है, कहती है कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब तुम काफी शैतान हो। मैं शैतान नहीं हूँ। हम बस पहुँच गए हो। देखो वही गार्बेज कंपनी।
यहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड्स हैं। देखने में ये कोई आम गार्बेज कंपनी नहीं लग रही है। पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। तो ये लोग हम सबको अंदर जाने देंगे क्या डोरेमोन? लगता तो नहीं है। मुझे अपना कोई गैजेट ही निकालना होगा। कौन सा निकालूं? हाँ ये वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। स्टोन कैप। अगर हम इस कैप को लगाएंगे तो हम किसी को नजर नहीं आएंगे। ये क्या, सब लोग गायब हो गए, कहाँ चले गए? हम सब तो यहीं पर हैं। अपनी कैप पहन कर देखो। चलो अब हम अंदर चलते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ठीक से काम करो, जल्दी करो। जी आन, हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, क्या तुम्हें इस बात का पता है? मुझे ये सब कैसे पता होगा बताओ। जल्दी काम करो। अच्छा ठीक है। ये लोग इसको इस तरह से क्यों फेंकते हैं जी आन? मैं बहुत थक रहा हूँ। चलो कचरा नीचे डालो। एक, अच्छा तीन। ठीक है, अब गार्बेज मशीन शुरू कर सकते हैं। ओके, गार्बेज मशीन शुरू। अरे ये कैसी मशीन है? सब लोग यहीं पर होना? प्रोसेस शुरू करो। ठीक है, बटन दबा दो। डोरेमोन, क्या तुमने अभी देखा? देखा, ये क्या हो रहा है? मैं समझ गया, ये लोग अपना कचरा स्पेस में फेंक रहे हैं। ये बुरी बात है। ये तो वाकई बुरी बात है डोरेमोन। इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सब ठीक चल रहा है ना? खुद देख सकते हो, अंदर आ जाओ। जो भी बाहर कचरा फेंकता है हम उसे आसानी से पकड़ लेते हैं और यहाँ पर उसे फ्री में काम करवाते हैं और इस तरह हमें सरकार से गार्बेज इंडस्ट्री के लिए बहुत सा पैसा मिलता है। बढ़िया है। हाँ, और ये हम दोनों के लिए फायदेमंद है, इसीलिए तो हमारी कंपनी तुम्हें इनाम में इतने सारे पैसे देती है। अच्छा, तो अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। हाँ, पर इस पैसे को थोड़ा आराम से खर्च करना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ? ये कौन बोला? ये क्या कर रही है? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम गंदे लोग हो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। मैं अभी रोबोट्स को बुलाता हूँ। जल्दी भागो, जल्दी चलो। अरे ये क्या हुआ? अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। ये कैसे हो सकता है? ये रोबोट है। क्या तुम सब हमें बचाने के लिए आए हो यहाँ पर? हाँ। सब कितने अच्छे हो। जियान सुनियो। तुमने बहुत गलत काम किया, जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था वो तुमने देख लिया। अब हम तुम्हें कचरे के साथ स्पेस में फेंकेंगे, तैयार हो जाओ। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रोबोट्स, अब इन्हें पकड़ो और गार्बेज मशीन में डाल दो। हमें यहाँ से नीचे नहीं गिरना चाहिए।
ध्यान से सुनो, यहाँ कचरा मत बढ़ाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। हाँ तुम सही कह रहे हो, कचरे से याद आया मेरा वो वाला गैजेट गार्बेज कैंडी। ये तो याद है ना क्या करना है। ठीक है मैं कर लूँगा। मुझे कैंडी बहुत पसंद है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। ये कैंडी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय। क्या हुआ, इनका कचरा तो आ ही नहीं रहा। अरे पुलिस रोबोट इधर आओ और आकर मुझे बचाओ। अब हम बाकी सबको भी गार्बेज कैंडी खिलाकर सबक सिखाएंगे नोबिता, अब तुम जल्दी से काम पर लग जाओ। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। इसने तो बहुत बुरी तरह से थका दिया। मुंह तो बंद करो। अब देखना। अब सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक। मुझे छोड़ दो प्लीज। कचरा सही जगह पर नहीं फेंक देते। अब तो तुम खुश हो ना, बोलो। हाँ। देशवासियों, हमारे गार्बेज स्टार के अच्छे भविष्य के लिए ये बच्चे इतनी दूर धरती से यहाँ आए और यहाँ आकर इन्होंने हमारे स्टार को बचा लिया, और ये छोटी सी बच्ची माही और ब्लू रकून ने भी साथ दिया। इन सब के लिए तालियां। अपना ख्याल रखना। जी ठीक है, बाय बाय। अरे माईचन कहाँ है? हाँ, वो अभी तो यहीं पर थी। मुझे लगता है वो हमें जाते हुए नहीं देखना चाहती। तुम ठीक कहते हो, चलो चले शिजुका। हाँ चलो। तुम यहाँ कैसे? मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टार पर जा रही हूँ। चलो दोस्तों चलते हैं। अब हमें इसे वापस छोड़ने के लिए आना पड़ेगा दोस्तों, है ना? अरे वाह, हमारे साथ चल रही हो, मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों अब मैं तुम्हें एक नया गाना सुनाता हूँ जिसे मैंने खुद लिखा है। ज्ञान का गाना तो कचरे से भी ज्यादा बुरा है। रुक जाओ सुनियो, तुम आज मुझसे नहीं बचोगे। कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। कहाँ भागोगे? अरे अरे शांत हो जाओ तुम दोनों।